वैसे मेरी साली दिन ब दिन हसीन होती चली जा रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका इनसे कोई रिश्ता भी है। बकवास बंद करो, ये मेरी बहन है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तो उसके ससुराल वाले अंधे हैं या बहरे हैं कि टीवी पे देखा और आके इनकार कर गए, ना तस्दीक की के पास सच है कि झूठ। बेटा बदनामी बदनामी होती है, उसे किसी झूठी या सच्ची तस्दीक की मोहताजी नहीं होती। मोमल, फोन है तुम्हारा। मेरा फोन? कौन है? इंटीरियर डिजाइनर का है, शायद अली के घर के इंटीरियर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी जी मोमल बात कर रही हूँ। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कलर स्कीम चेंज करवाना चाह रही थी मैं, स्पेशली मास्टर बेडरूम की। जी बेडरूम भी मास्टर है तो फिर कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। ठीक है मैं खुद आ जाऊंगी। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी चले ना मेरे साथ। मैं क्या करूंगी जाके, अली का घर है तुम देखो, सब कुछ आखिर तुम्हारी ही मर्जी से होगा ना। आप भी आपको यकीन है कि सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा? अगर अल्लाह ने चाह तो जरूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों आपी, मुझे ऐसा लगता है कि अली मेरी हर बात से इख्तलाफ करता है, हंसता है मुझ पर, टॉन्ट करता है मेरी हर बात पे। वहम होगा तुम्हारा। नहीं आपी, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये समझता है कि मेरी पर्सनालिटी नेगेटिव है। मोमल अगर अली ऐसा समझता है तो तुम्हें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों, मैं क्यों बदलूं खुद को? मैं झूठ तो नहीं कहती ना। नहीं झूठ नहीं बोलती तुम, लेकिन सच्चाई को झुटलाती जरूर हो मोमल। अभी उन हकीकतों को भी झुटलाती हो जो वाकई हकीकत है मोमल, जैसे खून के रिश्ते। आप ही प्लीज। मेरी हड्डियां चटकने लगी हैं, जोर जोर दुखने लगा, मगर अम्मी को सिर्फ एक ही घर प्यार है, बेजान ईंटों और पत्थरों से बना हुआ वो मकान। ये भी नहीं सोचती कि मैं गोश्त और पोत से बनी हुई हूं। मुझे भी दर्द होता है, मकान की दीवारों पे तो कीले ठोके जा सकती है ना, लेकिन मुझे सुई भी चुभती है तो दर्द होता है। सवेरा तुमने अपने आप को इतना काबिले रहम क्यों बना रखा है? तुम भी दीवार बन सकती हो, साजिद के मजालिम के खिलाफ खड़ी दीवार। नहीं मैं बुरबुरी मिट्टी का ढेर हूं, साहिल की मिट्टी जिसे कोई भी लहर आके बहा के ले जाएगी अपने साथ, वो मिट्टी है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा खैर छोड़, मैंने आज एक प्लान किया है, आज हम दोनों मिलके कहीं घूमने जाएंगे। सच? कहां? लेकिन मैं अम्मी के पास नहीं जाऊंगी, अम्मी से बहुत नफरत करती हूँ। अच्छा ना, अब अपना रोना धोना बंद करो और अपनी नफरत को अपने दिल में छुपा कर रखो और जाओ जल्दी से जाके तैयार हो क्या, जाओ जाओ ना, कोई यार है जल्दी जाओ। अरे निम्रा तुम? भाई आपकी बीवी तो बहुत सुस्त है, कब से वॉशरूम में अभी तक बाहर ही नहीं निकली। अच्छा काफी देर हो गई तुम्हें आए हुए। अरे भाई सवेरा। अरे कोई बात नहीं आ जाएगी, छोड़े उसे। वो
बहुत दिनों से फिल्म का प्लान कर रहे थे, सवेरा टाइम ही नहीं देती है। तुम आज शाम फ्री? श्योर, हॉस्पिटल से जब मैं सवेरा को जॉब करने आऊंगी ना, फिर हम मिलकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू। एक काम करें, आप बाहर वेट करें, सवेरा आती है तो मैं उसे लेकर आती हूँ। ओके। घटिया इंसान। सवेरा, मेरे खदीजा, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। आज मैं उन्हें लेकर आने वाली थी ना यहाँ, फिर सोचा कि कहीं रिश्ते के वक्त आस पड़ोस से कोई इंक्वायरी कर ली तो, या टीवी में देखी तुम्हारी और अनाया की फिल्म उन्हें याद आ गई तो फिर क्या होगा। मेरा कारोबार तो समझो ठप ही हो गया ना, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन बुआ, तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो, इतने बरसों से तुम्हारी शिनासाई है, आना जाना है, तुम समझा सकती हो ना उन्हें। अरे कोई यकीन नहीं करेगा मुझ पर, टीवी पर खबर चली है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। अरे परेशान कैसे ना, मैं तो चाहती थी कि दोनों बच्चियों की शादी साथ हो जाए, लेकिन नरगिस ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। समझ में नहीं आता आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अरे ये दोनों भी तो उसके मरहूम शौहर की बच्चियां हैं ना। वैसे खदीजा, इतना अच्छा रिश्ता तो तुम्हारे घर में ही है, ये जो लड़का है तुम्हारी नंद का। कौन, अली? अली तो बहुत नेक और शरीफ लड़का है, लेकिन बुआ मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकती ना। हाँ अब मेरी नंद आ जाए तो वही फैसला करेंगे। वैसे तुमने कुछ तो सोचा होगा ना कि अगर उन्होंने मांगा तो तुम किस बेटी को ब्याहोगी उससे। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अनाया की शादी अली से हो जाए। अली बेटा, तुम या अल्लाह, ये कैसी गलती हो गई मुझसे। क्या सोचेगा अली के मैं उसे आस लगाए बैठी हूँ। चलो अच्छा हुआ उसे खुद ही पता चल गया कि तुम्हारे ख्यालात क्या हैं। नहीं नहीं बुआ, ये सही नहीं हुआ। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा तुम चाय पियो, चाय पियो। मोमानी तुम्हें क्यों मना करेंगी, तुम पहले भी तो मेरे साथ जाती रही हो जब से ऑफिस और घर की तैयारियां शुरू हुई। मैं कोई पागल हूँ जो फजूल में हाइपर हो रही हूँ? तुम अपनी माँ को भी इसी तरह पागल कहते हो? प्लीज, हद से बढ़ रही हैं आप। मोमल कहाँ हो भाई? मैं यही हूँ। By the way, this color suits you. Really? Thank you. अब चलें? हाँ चलते हैं अली, मगर अम्मी से इजाजत नहीं ली मैंने अभी। मोमानी तुम्हें क्यों मना करेंगी, तुम पहले भी तो मेरे साथ जाती रही हो जब से ऑफिस और घर की तैयारियां शुरू हुई। मगर मैं जब भी गई हूँ अम्मी की इजाजत से गई हूँ अली। अली बेटा, वो मोमानी जी, घर की कलश की में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं और मोमल जा रहे थे जरा, हम जल्द वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मगर अली वो मैं। मोमानी आप परेशान ना हो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलें? अम्मी मैं जाऊं? ठीक है जाओ। ओके अम्मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सोच रही हूँ कि अली वापस आएगा तो उससे कहूंगी कि अब उसका घर बन गया है, वहीं शिफ्ट हो जाए। अम्मी वो तो जा रहा था,
लेकिन आपने खुद रोका था उसे, अब अगर बोलेंगी तो कितना बुरा लगेगा। वैसे अचानक आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? बस वो, मैं शर्मिंदा हूँ उससे बहुत। शर्मिंदा? मगर क्यों अम्मी, किस बात पे? वो उसे सुन लिया कि मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो जाए। क्या? यकीनन निम्रा के बेवा होने पर अफसोस करने आई होगी। उसने तो अहद कर लिया कि बस सारी जिंदगी अपने शोहर की यादों में गुजार देगी। बहुत मोहब्बत करने लगी थी उनसे। वैसे आजकल के दौर में मोहब्बत करने वाली बीवियों की मिसालें कम ही मिलती हैं। नहीं, आपको गलत फहमी होगी। मैं कोई अफसोस करने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे कोई अफसोस है। अच्छा, ओहो, तो फिर तुम शिकवा करने आए। फिर देखो ना, मेरी बेटी अगवा कर ली गई थी। अब जाहिर सी बात है, पुलिस से तो मुझे मदद लेनी थी ना। अब गलती तो तुम्हारी, जो तुम ऐसे घरों में जाते हो जो बदनाम हो और जहाँ छापे डाले जाते हो। मुझे वहां बुलाया गया था और मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करने आया और ना ही मुझे कोई शिकायत। मैं तो आपसे निम्रा का रिश्ता मांग रहा हूँ। निम्रा से शादी? निम्रा की तो शादी हो चुकी। या तो आप अनजान बन रहे हैं। आप नहीं जानते कि वो शादी अंजाम पर पहुंचने से पहले ही अंजाम पा गई। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अनजान बन रही हूँ? किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? देखिए, आप खामखा हाइपर हो रही हैं। मैं तो, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कोई पागल हूँ जो फजूल में हाइपर हो रही हूँ? तुम अपनी माँ को भी इसी तरह पागल कहते हो? प्लीज, हद से बढ़ रही हैं आप। आप मेरी बातों का उल्टा रिएक्शन दे रही हैं। या तो आप मुझे समझ नहीं रही हैं या समझना चाहती ही नहीं, या आप ये जानबूझ के कर रही हैं ताकि मैं चला जाऊं। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया ना, तो मेरी मर्जी से यहाँ आए हो। अगर जाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। एक तो मैं यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया और ऊपर से आप मेरी तौहीन किए जा रही। तुम एहसान नहीं कर रहे कि मेरी बेटी का रिश्ता लेके आए हो, और मुझे कोई खुशी नहीं होगी अपनी बेटी की तुम जैसे जाहिल इंसान से शादी करो। मगर मैं निम्रा से शादी करूंगा हर सूरत। अपनी बदनामी को कैश कराना चाहते हो या रसवाई पर शराफत की चादर ओढ़ना चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ ये आपको वक्त बताए। रुको, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे कंगले से हरगिज नहीं करूंगी। आप वाकई पागल हैं जो सबको पागल बना। बेटी से शादी करें। निम्रा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? एक नॉर्मल चेकअप है, ऐसा लग रहा है तुम ऑपरेशन के लिए जा रही हो। चलो मैं आ रहा हूँ। हेलो निम्रा, कैसी हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकदम फिट। वैसे तुम अकाउंट्स वाले बहुत जाती करो, डॉक्टर्स के ओवरटाइम फौरन लगाते हो और लैब टेक्नीशियन को हमेशा डलाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी किसी का ओवरटाइम या उसके पैसे नहीं मारे भाई। मुझ पे इल्जाम ना लगाओ। अब ये बताओ कि डॉक्टर शाहीन कमरे में? हाँ, बैठी हुई है और पेशेंट्स भी कोई नहीं। खैरियत? चलो ब्रिलियंट। ये मेरी बहन है सवेरा, और वो जो भी यहाँ से गए ना वो मेरे बहनों ही हैं। ये तुम्हारे ब्रदर हैं ना? शायद साजिद अहमद, यही नाम है ना इनका? तुम जानते हो ना? खैर छोड़ो उसे, तुम अपनी बहन की बेबी के लिए आई हो ना? मुझसे फ्री होके जरूर मिलना प्लीज। श्योर। निम्रा, ये कौन था? ये लैब इंचार्ज है, चले। हेलो।
हांडी जलने की बू यहां तक आ रही है और तुम यहां आराम से बैठी हुई हो। सॉरी अम्मी, मैं बैठो। परेशान हो? अम्मी, अली से आपको यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए। क्या सोचता होगा? हाँ, वो बस मेरे मुंह से निकल गया और उसने सुन लिया। सोचता होगा कि हम लालची हैं। और फिर मोमल अचानक ही आ गया था। खैर छोड़ो अनाया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। यही फिक्र है ना आपको मेरी, कि मैं बदनाम हो चुकी हूँ, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ यही समझ लो। तो अम्मी, मोमल भी तो आप ही की बेटी है ना? अली और मेरा मतलब है वो दोनों एक दूसरे को पसंद। ये तुमने क्या बार बार रट लगा रखी है, मोमल की पसंद, मोमल की पसंद? क्या जाहिर करना चाहती हो कि मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है और मेरी बेटी अपना बट ढूंढने खुद निकली है? तो अम्मी, इसमें बुराई क्या है? मोमल ने अपनी पसंद का इजहार किया है, सरकशी तो नहीं दिखाई? और फिर अब तो वो आपकी इजाजत के बगैर अली के साथ कहीं जाती भी नहीं है। बहरहाल ये तो अब साइमा और अली पर डिपेंड करता है कि वो तुम दोनों में से किसे पसंद करते, और बहुत मुमकिन है कि वो तुम दोनों को रिजेक्ट कर दे। अम्मी, बात अली या फूफो की पसंद नापसंद की नहीं है, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि मेरी वजह से या मेरी खातिर आप मोमल की पसंद को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। भाई मुझे तो तुम दोनों का अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। अली और साइमा का इंतजार नहीं करूंगी। आने दो अली को, आज ही उससे कहूंगी कि अपने घर में शिफ्ट हो जाए। और हाँ, रोटी और सलाद भी तैयार कर लो, आने वाला है अली। ये डॉक्टर बकवास कर रही है, झूठ बोलती है। आपने तो मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी नहीं है ना, सब कुछ नॉर्मल था उसमें। ये कोई जाहिल डॉक्टर है, इससे कोई अमेरिका से नहीं पढ़ा हुआ। आहिस्ता बात करो। क्या बात है, बहुत देर लगा दी है। जी बहुत अच्छी डॉक्टर है, डिटेल में चेकअप करती हैं। आप फिक्र ना करें, इस बार इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज मिलेगी आपको। ये वही हॉस्पिटल है ना जहाँ पहले भी इलाज करवाया था तुमने सवेरा? उसके बाद से सवेरा की डिमांड्स बढ़ गई थी। वो बहुत बेवकूफ डॉक्टर थी, ये दूसरी है। आज शाम का प्रोग्राम डन है। फिक्र क्यों करते हैं, आपको इनकार थोड़ी कर सकते हो। जी डॉक्टर। नहीं नम्रा, बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लगता है कि बेबी। क्या डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और वैसे सवेरा कमज़ोर भी बहुत है। तुम एक काम करो कि इसको एडमिट करवा दो, इसकी तबीयत कुछ संभल सकेगी, उसके बाद फिर देखते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर, मेरे पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है। मुझे कई बार डॉक्टर ने चेकअप किया है लेकिन मुझे किसी ने भी नाउम्मीद नहीं किया। लेकिन अभी आप कैसे कह सकती हैं? प्लीज सवेरा। मैं तो पहले ही नाउम्मीद हो गया था, थक गया हूँ इलाज करवा करवा कर, मगर आज डॉक्टर, ना तो आपने मेरा कोई अल्ट्रासाउंड किया है, ना कोई एक्सरे लिए, ना कोई ब्लड टेस्ट हुआ है, फिर आप मुझे कैसे मायूस कर सकती हैं? तजुर्बा भी कोई चीज होती है। ठीक कहा, मैंने 5 साल अमेरिका में प्रैक्टिस की है। खैर तुम अल्ट्रासाउंड भी करवा लो, इनको कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं। इनकी हालत देखो सवेरा, अगर सेहत नहीं होगी तो बेबी कैसे पैदा कर सकोगी? तुम्हारा सिस्टम डैमेज हो चुका है। डॉक्टर मैं इसका अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ, आप मेडिसिन लिख कर दे दें, अब इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। ये तो बस निम्रा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कम से कम 2 महीने की मेडिसिन बाकायदगी से लेना होगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके निम्रा, मेरे राउंड का वक्त हो गया, मैं वापस आके मेडिसिन लिख देती हूँ। नहीं साजिद, ये डॉक्टर बकवास कर रही है, झूठ बोलती है। आपने तो मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी नहीं है ना, सब कुछ नॉर्मल था उसमें। ये कोई जाहिल डॉक्टर है, इससे कोई अमेरिका से नहीं पढ़ा हुआ। शश, आहिस्ता बात करो। मैं यहाँ काम करती हूँ, रेपुटेशन है मेरी यहाँ पर। इसे तो बस सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना आता है, लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि तुम ही बांझ हो। आप लोगों से इंसाफ मांगने आए। आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्यों बुलाया गया था,
तो मोहब्बत के दावेदार आप थे निमरा से। तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं लिखी। ये तुम्हारी माँ है, तुम इनकी माँ नहीं हो। ये हमारी माँ नहीं है आप, ये तो सिर्फ निमरा और सवेरा की माँ है। वो अस्पताल वाले सब झूठ बोलते हैं। ये क्या हाल बना रखा है शरीफ इंसान का तुमने? क्यों ऐसा कर रही हो इनके साथ? क्या